माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ पूजा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो लेके आई हूँ वो है इजी आईलाइनर ट्यूटोरियल। हाँ, और खास तौर पे बिगनर्स के लिए। और बिगनर्स क्या बहुत से लोगों को और हम सबको और मुझे भी बहुत पहले जब मैंने आईलाइनर को लगाना स्टार्ट किया था तो मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। तो बिगनर्स की मैं बात करती हूँ तो ऑफकोर्स सबको एक टाइम पे जब स्टार्टिंग आईलाइनर लगाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि थोड़ा सा हम मिस्टेक करते हैं कि आईलाइनर को लगाते हैं तो उससे पहले हमें कौन से स्टेप को फॉलो करने चाहिए। फ्रेंड्स, लाइनर लगाने से पहले अपने आईज पे अच्छे से हमें क्रीम लगा लेना है या कंसीलर लगा लेना है, देन कॉम्पैक्ट। उसके बाद हमें लाइनर को अप्लाई, फिर हम लाइनर को अच्छे से अप्लाई करें। लगाने के बाद आपको क्या करना है कि सेकंड ऑप्शन जो है वो लूज पाउडर ले लो या कॉम्पैक्ट ले लो, बहुत ज़रूरी होता है सेट करना, ठीक है। आपको क्या करना है, लाइनर लगाना है तो ये वाला है। अरे बहुत अच्छा है, एक बार अगर जिसने नहीं ट्राई किया है मेबलिन का प्लीज़ ट्राई ज़रूर करना, बहुत बहुत अच्छा है। इसका भी मैंने अलग से रिव्यू दे रखा है। जो क्वांटिटी होगी ना पूरी निकाल लेंगे इसमें से, कम रखेंगे, आप देख रहे हो कम रखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले एक डॉट इधर, तीन डॉट आपको लगाने हैं। ये तीन डॉट लगा दिया है। फिर उसके बाद आपको ऊपर जितनी भी विंग लाइनर ड्रॉ करनी है तो यहाँ पे एक ऐसे करके एक छोटा सा आपको डॉट लगा देना है। तो उससे क्या होगा ना, आपको एक अंदाजा मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको ना, आप अगर बिगनर्स हो ना तो सबसे पहले आपको यहाँ से ट्राई नहीं करना है, आपको यहाँ से ट्राई करना है। ठीक है, अब देखो ये पतली सी लाइन ड्रॉ हो गई है। अब आपको ये जो डॉट है ना इन्हें मिला देना है। आपने इन तीनों लाइन को जो है वो क्या किया है, मिला दिया है। तो इससे क्या होगा ना, आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी उनको सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करना है। स्टार्टिंग में आपको यही करना है। और स्टार्टिंग हमेशा याद रखना, आपको यहाँ से आई कॉर्नर से कभी भी स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है हमें वहाँ से एक अंदाजा नहीं मिल पाता है। क्योंकि यहाँ की जो लाइन होती है ना, यहाँ हमेशा हमें लाइन को थिन रखना है, पतला रखना है। और ये जो कॉर्नर होता है ना, ये चीज़ हमारा मोटा होना चाहिए। इसी से जो तरीका होता है आईलाइनर लगाने का, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, एक ही बार मैंने जो थोड़ा सा लिया था उसी से ही मैंने उसको ड्रॉ किया है। अब उसके बाद अब मैं थोड़ा लूँगी। आपको अब इसे ही जो हमारी जो विंग है ना, इसे थोड़ा सा मोटा करना है बस। यहां से मोटा रखना है और यहां से जो कॉर्नर होता है यहां से आपको हमेशा जो है वो पतला ही रखना है। और जितना मैंने ड्रॉ किया है बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप किसी फंक्शन या पार्टी में जा रहे हो ना और आपको बहुत ज्यादा बोल्ड रखना है तो आप क्या करोगे ना, इसी पॉइंट से ही लास्ट से ही आप मोटा कर दोगे, तो यही आपका जो है ना वो बोल्ड लगने लगेगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये कंप्लीट हो गया। और उसके बाद आपको क्या करना है कि हम जब आईलाइनर को लगाते हैं ना तो थोड़ा ऊपर नीचे फैल जाता है, तो ऐसी कुछ ईयरबड ले लो, ठीक है। ईयरबड लेके फिर उसके बाद ये जैसे मेरा यहाँ लग गया है तो आप ऐसे ऐसे करके साफ कर लो। और नीचे भी मस्कारा को अप्लाई करना ज़रूरी होता है क्योंकि आई लैशेज जो है वो अच्छी लगती हैं देखने में, जो हमारी होती हैं। इस तरीके से यहाँ नीचे भी साफ कर लिया है। फिर उसके बाद क्या होता है ना कि जैसे कि मेरा ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा नज़र आ रहा है ना, मतलब थोड़ा फैल गया, तो आपको क्या करना है, इसी ईयरबड से ना आप ऐसे कर दो।
ये देखो अगर ऐसे कर दोगे ना तो ये शार्प हो जाएंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको कोई क्रीम लगाना है यहाँ से, अगर आपका फाउंडेशन या कुछ चला गया तो आप थोड़ा सा क्रीम लेके इसी पे ही, और यहाँ से आप ऐसे ऐसे करके इसी से क्लीन कर सकते हो, लगा सकते हो, और बहुत ही अच्छा आएगा। तो अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक करे बगैर मत जाना, शेयर कर देना अपने रिलेटिव्स को, और मिलते हैं एक और अच्छे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और मेरे बाय बाय।